छीन लिया तूने मुझसे, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा कम से कम तेरे पास मैं तो थी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरी दोस्त नहीं मेरा पति। चुप क्यों है? आज ज्ञान की गंगा नहीं बह रही तेरे मुंह से? बोल ना कि नहीं ली थी। तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन है, बहन से बढ़कर जान है तू मेरी। तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर दूंगी, तू बस बोल। ऐसे ही बोलती थी ना तो आज चुप क्यों है? ताला लग गया है मुंह पे, बोल क्यों नहीं रही है कुछ? जब मैं तुझे चुप होने के लिए कहती थी तब नहीं चुप होती थी तू, तो आज क्या हो गया? रोज मेरा दिमाग खा जाती है अपनी बकवास से, तो आज चुप क्यों है तू? जब तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत भी फीलिंग्स थी ना, तब तूने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तो अब जब तेरे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं वो सब नहीं बोलूंगी जो मैं कहती आई हूं। आज मैं कुछ और कहने आई हूं। तू ये सब जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि चेहरा ढक के, चेहरा छुपा के तू एक रस्म निभा लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे, तो तू बहुत गलत सोच रही है नीति। और अगर तू रिश्तों को सुधारना ही चाहती है ना, तो बात कर संजू से, बात कर घर वालों से। हो गई तेरी बकवास शुरू। क्यों इतना महान होने का नाटक करती रहती है मेरे सामने, जबकि मैं अच्छे से जानती तू ही नहीं चाहती कि मेरे और संजू का रिश्ता फिर से जुड़े। यही तो प्रॉब्लम है, तुझे ऐसा लगता है कि तू ही सही और बाकी सारे गलत है। लेकिन तू माने या ना माने, मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तेरा और संजू का रिश्ता बना रहे। लेकिन तूने तूने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैंने तो हर चीज से ऊपर अपनी दोस्ती को रखा। चल मान लेती हूँ मैं कि मैं गलत थी और तू सही। दोस्त बोलती है ना मुझे अपना, तो आखिरी बार दोस्ती निभाते हैं। कर दे शादी से मना। क्या हुआ, क्या सोच रही है? करना मना, बन जा महान सबकी नजरों में, दिखा दे कि तू कितनी दिलदार है। अपनी दोस्ती के लिए तूने अपनी शादी तक कुर्बान कर दी। बोल, तेरे लिए शादी से मना करेगी? परी, मैं वादा करता हूँ कि शादी में कुछ गलत नहीं है। तुम भी वादा करो कि शादी से पीछे नहीं हटोगी। अब बहुत देर हो चुकी है नीति, अब तो ये शादी जरूर होगी और किसी हालत में मैं ये शादी के लिए मना नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैं चैलेंज देती हूँ तुझे, तू लाख कोशिश कर ले, संजू तुझसे शादी नहीं करेगा, वो मुझसे शादी करेगा। वो तुझे छोड़कर मेरे पास वापस आएगा परी, तू देख लेना। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं जानती हूं उसे बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। की होया गुरिंदर, की सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, काफी देर से तेनु देख रही, कोई गल तो है? दस मिनट की होया? अच्छे से जानती हूँ आपकी करतूतों को मैं। मेरे सामने ना ये महान सास बनने का नाटक मत किया कीजिए आप। ये सोच रही है? होने को बचा ही क्या है प्रजाय जी, मेरा पुत्र शादी कर रहा है, वो भी मेरी बिना मर्जी के। मेरा संजू जो मेरी कभी एक बात भी नहीं टालता था, आज उसकी नजरों में मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरा यहाँ रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं है। गुरिंदर, जब तू इस घर में बहू बन के आई थी ना, तब तू बहुत छोटी थी मेरे सामने, तेरी उम्र परी से भी कम थी। तब से तुझे देखा है, मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन माना, लेकिन अफसोस तूने कभी मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं माना, हमेशा मुझे अपनी जेठानी समझती रही। हर गल में तुझे मुझसे प्रॉब्लम रही है, और तेरा ये बर्ताव ना मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप कहना क्या चाहते हो? यही
कि मैं तेनू सबसे ज्यादा अच्छा जानती हूँ। जो तू कह रही है ना कि संजू तेरी गल की कदर नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ और ही सोच रही है, तेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। संजू जब मुझसे शादी करना चाहता था तब आपने जबरदस्ती परी से शादी करा दी उसकी, क्यों? क्योंकि आपको पैसा और जमीन चाहिए थी ना। प्रजय जी आपको जो समझना है आप समझिए, ये संजू किथे है, आ क्यों नहीं रहा है, रस्में करके फिर घर भी निकलना है। चिंता मत कर, सब टाइम से हो जाएगा, मैं हूं ना। यही तो बात है कि आप हैं मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरी जगह अब आपने ले ली है, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। फिर से वही रट शुरू होती है तेरी। आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सिर्फ जन्म देने से एक औरत माँ नहीं बन जाती, बच्चों को माँ की जरूरत सारी उम्र पड़ती है। जब तेरे बच्चों को तेरी जरूरत थी तो जाके खड़ी हो जाती वहां और कहती मैं हूं ना तुम्हारी माँ, तब मैं तेरी जगह कभी नहीं ले पाती। और सच कहूं तो आज भी मैं तेरी जगह नहीं ले रही हूं, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और ना ही माँ का दर्जा कोई ले सकता है। यह सारी गल्ला ना बाद में करेंगे, ये सही वक्त नहीं है, लेकिन एक गल हम जरूर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में दिलों में दूरियां आए या दरार आए। संजू वो पूरी फैमिली वहां खड़ी है, तू यहाँ क्या कर रहा है? परी भी आने वाली है, क्या वहां पे? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन बोल कुछ और रहे हो? यार वो नीति है यहाँ पे। जानता हूँ। हैं? तेरे को पता है वो चंद्रिका ने मुझे बताया है कि जिसके साथ तूने परिक्रमा ली है वो परी नहीं है, वो नीति है। ये बात भी जानता हूँ, पागल हो गई है नीति, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये पागलपन कर क्यों रही है। तो अब तू क्या करेगा, सोचा तूने? ये टाइम सोचने का नहीं है वीर जी, वैसे भी लाइफ के बड़े डिसीजंस आप इमोशनल होकर नहीं ले सकते हो। तूने परी से शादी का फैसला इमोशनल होकर लिया है या प्यार करता है उससे? तू नीति से अब भी प्यार करता है या परी ने उसकी जगह ले ली है? परी संजू आजा पुत्र, माँ बुला रही है, सब वेट कर रहे हैं, चलना चाहिए। चलो 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 आओ आओ, चलो 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 शाबाश। पंडित जी शुरू से सब शुरू करते हैं। परी बेटा आपको घूंघट में ही रहना होगा पूरे परिक्रमा में। नहीं पंडित जी, परी घूंघट नहीं लेगी। पुत्र वो तो क्या बोल रहा है? संजू पुत्र ऐसे कैसे चलेगा, इस रस्म में तो लड़की को घूंघट लेना ही पड़ता है। सॉरी आंटी जी, मैंने कहा ना कि परी घूंघट नहीं करेगी तो नहीं करेगी। अरे ऐसे कैसे? अरे ठीक है ठीक है, आजकल के बच्चों को हर बात के लिए नहीं मना सकते। अगर परी पुत्र पूरा घूंघट नहीं लेना चाहती है तो ना रहे, हम आगे की रस्में शुरू करते हैं। चल परिक्रमा शुरू करें। पंडित जी मुझे बता देंगे कि इसका क्या करना है और कैसे करना है? तुम्हारी जगह पहले नीति थी ना, अभी सारा ध्यान पूजा में लगाओ, बातों में नहीं। आप लोगों को सबसे पहले ये कलावा पेड़ के चारों तरफ बांधना होगा, जब मैं आपको संकल्प दिलाऊंगा मंत्रोच्चार करूंगा और आपके हाथ में चरणामृत दूंगा। संकल्प तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आप मुझसे चरणामृत ग्रहण नहीं कर लेंगे, समझे बात को? जी पंडित जी। अब मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ कि वो पूजा में शामिल हों और आपको अपना आशीर्वाद दें। पहला संकल्प, जीवन में कोई भी दुख या सुख आए आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मंगल 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 मंगल
दूसरा संकल्प, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को माफ करके एक दूसरे से रिश्ता निभाएंगे, परिवार को टूटने से बचाएंगे। पुरवार कमी व बंधना मृत्योर मुक्षी तीसरा संकल्प, पति पत्नी हमेशा एक दूसरे की इज्जत करेंगे और कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। चौथा संकल्प, आप दोनों के जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। पांचवा संकल्प, आप दोनों को कितना भी क्रोध आ जाए, एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल करेंगे। छठवां संकल्प, एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा सम्मान करेंगे और बिना किसी बात के एक दूसरे को गलत नहीं समझेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। सातवां संकल्प, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। बेटा, ये बचे हुए धागे पेड़ पर बांध दीजिए। संकल्प की विधि पूरी हो गई, अब आप सभी बड़ों का आशीर्वाद दे दीजिए।
एक छोटी सी पूजा और होगी जोड़े से, उसके लिए शीतला माता के तालाब से वहाँ से कमल का फूल लाना होगा। यह फूल घर की बहू को दिया जाता है और इसका मतलब यह है कि घर की बहू अपने ससुराल में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आएगी। जी पंडित जी, मैं लेकर आता हूँ फूल। पंडित जी, फूल तो मैं भी ला सकता हूँ ना, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। जब तेरी शादी होगी ना तब करना, अभी मैं फूल लेकर आऊंगा परी के लिए। जब तक आप लोग मंदिर के प्रांगण में बैठ जाइए, तब तक मैं दूसरे जोड़े की पूजा कराता हूं। वैसा कुछ फील नहीं करता हूं मैं नीति। हमारे बीच में जो प्यार था ना, उसको तुम्हारे शक ने खत्म किया है और ये प्यार दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। और मरे हुए रिश्ते कभी जिंदा नहीं होते। अब मेरे दिल में, मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए परी की हो चुकी है। अब बहुत देर हो चुकी है नीति, अब तो ये शादी जरूर होगी और किसी हालत में मैं ये शादी के लिए मना नहीं करूंगी। मंदिर में संजू और परी की घड़ोली की रस्म चल रही थी। मैंने ना परी की जगह लेकर संजू के साथ परिक्रमा भी की, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। लेकिन टाइम से ना मम्मी जी ने मुझे देख लिया और किसी की नजरों में आने से बचा लिया, किसी ने मुझे देखा नहीं। लेकिन फिर क्या? फिर परी और संजू दोनों ने मुझे ज्ञान दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, क्या करूं मैं? मैं संजू को ऐसे खोना नहीं चाहती और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, कैसे उसका दिल फिर से जीतूं? तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रख रब पर, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा तो गिरने वाला है।
परी रुक जा। रुक जा परी। कितने जा रही है परी? परी पुत्र। परी परी, परी आ, रुक जा परी। ओ चंद्रिका। चंद्रिका तो ठीक है? ओ तो ठीक तो है ना पुत्र? चलो 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 परी 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 चलो चलो चलो। बेबी क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं सब? अरे बाद में बताती हूँ ना, कितने सवाल करती है, जल्दी आ। हुआ क्या है ऐसे?